class. SSCA provides great opportunity to their students. I am Ms. Marina Fees, your science teacher. Let's move towards the lecture. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मिस फरहीन आपके बायो लेक्चर के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल लर्न इन टुडे लेक्चर? इन टुडे लेक्चर वी विल लर्न अबाउट बायोलॉजिकल स्टडीज़ ऑन ह्यूमन वेलफेयर एज वेल एज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस एंड ऑल्सो डिस्कस रेडीज एक्सपेरिमेंट। So student, let's move towards the first topic. Topic name is Impact of Biological Studies on Human Welfare. As you know that biology itself is the branch of science in which we study about the morphology, anatomy, genetics. But also aim of the biology is to provide the fundamental changes and bring revolution changes in the welfare for the human's life. So, new discovery in the field of biology are bring a revolution change in medicines, agriculture, animals, as well as other life-related fields. So, students, focus on the slide. First point is, biology enhances the production of food crops like wheat, maize, rice, many vegetables and fruits. Biology ki study se हमारी फूड क्रॉप्स के अंदर उसकी प्रोडक्शन में एक अमेजिंग चेंज आया और हमें क्वालिटी के हिसाब से भी और क्वांटिटी के हिसाब से भी अच्छी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हासिल होते हैं। एज वेल एज़ बायोलॉजी इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। बायोलॉजी का ही कारनामा है जिसकी वजह से हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर आपका दूध, दही या इससे बनी हुई मुख्तलिफ अशिया, उसके अंदर भी काफ़ी चेंज आया। और ये चेंज कैसे आया? बाय डेवलपिंग डेयरी फार्मिंग, कैटल फार्मिंग। जी फ्रेंड्स, बायोलॉजी की मदद से हमारी हेल्थ इम्प्रूवमेंट में भी काफ़ी चेंजिंग डेवलप हुई। कैसे डेवलप हुई? बाय ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स, मेडिसन्स, वैक्सीन्स एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट। आइए इसको एक एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। जैसा कि आजकल पूरी दुनिया में COVID-19 फैल चुका है और इस COVID-19 की रोकथाम के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ वैक्सीनेशन की तैयारी में अपना काम अंजाम दे रहे हैं। लेट्स सी कि ये सब किसकी वजह से मुमकिन हो पा रहा है। ऑब्वियसली ड्यू टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। इसके साथ साथ अगर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, या इसकी एक ऐसी मिसाल ले लीजिए कि हमें कभी खुदा न खास्ता स्मॉल पॉक्स हो जाए, या कभी हम टेटनस का इंजेक्शन यूज़ करते हैं, ये जितनी भी वैरायटीज़ की मेडिकेशन हम अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, क्यों? ताकि हम डिज़ीज़ से क्योर हो सकें। तो ये सब किसका कारनामा है? ऑब्वियसली ड्यू टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। पिल एज यू नो डैट इन ऑल द डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर वर्किंग एंड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एनवायरमेंट्स आर सो मच पॉल्यूटेड एंड life is exposed to all kind of harmful effects. That's why due to the biological research we will get different ways and means to overcome this pollutant and providing the healthy environment for the living. ye biology ka hi karnama hai ki aaj hum ek behtar aur saaf sutre mahol mein zindagi kaise guzar sakte hain uske naye naye tareeke hame maloom hue hain. ji students, I hope you have understood the impact of biological study on human welfare. Next topic is biogenesis and abiogenesis. First of all, we will try to understand the meaning of this terminologies. Biogenesis kya hai? Here you can also read the definition. Biogenesis is the idea that living organisms come only from other living organisms, and abiogenesis is the idea that living organism can spontaneously develop from the non-living is termed as abiogenesis. जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायो मीन्स लाइफ, मतलब ऐसा ख्याल दिया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक कोई भी जानदार दूसरे ही जानदार से वजूद में आते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? बायोजेनेसिस। लेकिन कुछ का आइडिया ये था
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अचानक से डेवलप होते हैं किसकी मदद से, नॉन लिविंग मटेरियल की। और ये जो टर्मिनोलॉजी है ये क्या कहलाती है, ए बायोजेनेसिस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं कि बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस के बारे में एंशियंट टाइम के अंदर क्या कॉन्सेप्ट था। एंशियंट टाइम के अंदर कुछ लोगों का इस बात पर बिलीव था कि एक लिविंग क्रिएचर नॉन लिविंग थिंग से ही वजूद में आता है, जिसको हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन का नाम कहते हैं। लेकिन उनका ये अकीदा, ये बिलीफ किस वजह से था? उनका ये बिलीफ था मैगर्स अरोज फ्रॉम द मीट। उन्होंने देखा कि मीट के ऊपर मैगर्स अपीयर हुए, सिमिलरली माइस फ्रॉम द ग्रेन। इस वजह से उन्होंने कहा कि एक लाइफ नॉन लिविंग थिंग से ही वजूद में आ सकती है। लेकिन आगे चलकर बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस के बारे में डिफरेंट थ्योरीज पेश की गईं। सो स्टूडेंट्स, हेयर यू कैन सी दैट थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस। एंशियंट थ्योरी के अंदर दो थ्योरीज पेश की गई। एक थ्योरी तो एरिस्टोटल ने दी। एरिस्टोटल का बिलीव क्या था कि लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग, कि ज़िंदगी एक बेजान चीज़ से वजूद में आती है। और कुछ साइंटिस्ट का ख्याल था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम क्ले, अर्थ एंड नॉन लिविंग मैटर। और ये उन्होंने किस बात पर दिया था अपना नज़रिया, ड्यू टू द अपियरेंस ऑफ मैगट्स ऑन डेड बॉडीज, सिमिलरली फंगस ऑन द ब्रेड पीस। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए साइंटिस्ट ने फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और दोनों ही प्रोसेस, मतलब बायोजेनेसिस के लिए भी एक्सपेरिमेंट हुए और ए बायोजेनेसिस के लिए भी। अब वो साइंटिस्ट जिन्होंने ए बायोजेनेसिस को वोट दिया, उसमें नाम आते हैं निधम का। सिमिलरली बायोजेनेसिस की सपोर्ट में जिस साइंटिस्ट ने अपने व्यूज शेयर किए, उसमें नाम था फ्रांसिस्को रेडी एंड लुइस पैस्चर। सो स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन ईच एक्सपेरिमेंट इन डिटेल। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट आई विल शेयर विद यू इज रेडीज एक्सपेरिमेंट। हु वॉज रेडी, कौन था रेडी? रेडी वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट। इन 17th सेंचुरी ही डिस्क्राइब द डिफरेंट डेवलपमेंटल फॉर्म्स ऑफ फ्लाइज। उसने हमें फ्लाइज की मुख्तलिफ फॉर्म्स के बारे में इन्फॉर्म किया। रेडी ऑब्जर्व डैट टाइनी वॉर्म, उसने छोटे छोटे कीड़े देखे लाइक मैगट्स, जिसको उसने मैगट्स का नाम दिया। उसने ये भी जाना और ये भी हमें बताया कि वो जो मैगट्स वहाँ अपियर हुए थे, उसके अपियर होने की वजह क्या थी, एडल्ट फ्लाइज थी, क्योंकि वो पहले ही वहाँ जाके बैठी थी। किसके ऊपर? मीट के ऊपर। रेडी ने फिर अपने डिफरेंट हाइपोथेसिस प्रेजेंट किए, और उसमें से एक हाइपोथेसिस ने क्या दिया, डैट के मैगेट केम फ्रॉम एग्स डैट फ्लाइज लेड ऑन मीट। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए आइए अब इसके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि इसने इस बात को या हाइपोथेसिस को कैसे प्रूव किया था। सो स्टूडेंट, हेयर I will discuss Reddy's experiment. First of all, you can see that Reddy's hypothesis. Reddy presented an idea. Reddy ने एक ख्याल दिया. That वो क्या था कि all living organisms arise from their parents. कि जितने भी जानदार हैं वो अपने parents से वजूद में आते हैं. And negated the idea of abiogenesis. और abiogenesis के idea को उसने neglect कर दिया. अब अपनी इस hypothesis को prove करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, चलिए समझते हैं। रेडी टुक 8 जार्स, उसने 8 जार्स लिए, एंड जार्स वर सेट अप विद मीट इनसाइड, और जार्स के अंदर मीट मतलब गोश्त को रख दिया। द कंट्रोल ग्रुप वॉज नॉट कवर्ड विद क्लोथ, जो कंट्रोल ग्रुप था मतलब जो जार थे, उसने उन जार्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक को कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया और एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का। जो कंट्रोल ग्रुप का जार थे वो उसको उसने कवर नहीं किया क्लोथ से, वाइल द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कवर्ड जार्स विद क्लोथ, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे उनको कवर्ड उन जार्स को उसने कवर्ड कर दिया, किससे, कपड़े की मदद से। आफ्टर फ्यू डेज उसने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व डैट, उसने देखा द अनकवर्ड जार्स हैड मैगेट, उस जो अनकवर्ड जार थे जिसको उसने कवर नहीं किया था क्लोथ से, यानी वो कंट्रोल ग्रुप वाले जार, उसके ऊपर मैगट्स छोटे छोटे कीड़े मौजूद थे, डेट इवेंचुअली टर्न इनटू फ्लाइज, और जो फिर कुछ दिनों के बाद फ्लाइज में तब्दील हो गए थे।
वाइल द कवर्ड जार्स डिड नॉट हैव एनी मैगट्स, जबकि जो कवर्ड जार था उसके अंदर किसी भी किस्म के वॉर्म्स या मैगट्स अपियर नहीं हुए। सो स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द रेडीज एक्सपेरिमेंट बाय द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट रेडी कंक्लूड दैट इफ द फ्लाइज वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द बॉटल, अगर फ्लाइज को रोक लिया जाए बॉटल के अंदर जाने से, द मैगट्स डिड नॉट अपियर, तो मैगट्स अपियर नहीं होंगे। एंड यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर एज वेल। सो इट इज़ प्रूव डैट, तो ये बात साबित हुई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक जानदार दूसरे ही जानदार से वजूद में आता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक वेरी वेल। नाउ इट्स अ टाइम फॉर समराइजेशन, मीन्स वॉट वी हैव लर्न। We have learned biological impact on society. We also discuss biogenesis and abiogenesis, as well as you have also understood Reddy's experiment. Okay students, take care, Allah Hafiz. But listen, please subscribe SSCA YouTube channel and get notification for our uploaded lectures and press like button. Take care.